नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों की। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को लतार लगाते हुए कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से आईएस के खतरे का सामना करता रहा। उन्होंने पाक पीएम के आरोपों को झूठा बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 55 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जहां 23 दिसंबर को पहाड़ों पर एक बार फिर से भारी बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया गया। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का मामला, जहां दिल्ली में 6 नए मामले मिले, वहीं देश भर में कुल आंकड़ा 150 से पार गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम आगामी चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गोवा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने युवा वकीलों को सलाह देते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करने से पहले ट्रायल कोर्ट में जाकर काम करें। उन्होंने कानून के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को और प्रयोगात्मक बनाए जाने पर जोर दिया। ईडी दफ्तर पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, पनामा पेपर लीक मामले में हो रही है पूछताछ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उन 5 दलों की बैठक बुलाई जिनके सांसद को अशोभनीय आचरण के लिए शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया। लखीमपुर मामले में मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस, बोली आरोपित का पिता कैसे कर सकते हैं न्याय। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज ड्रोन का मेगा शो हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। बिहार के जूनियर डॉक्टर और इंटर्न आज से हड़ताल पर हैं, जहां इमरजेंसी और ओपीडी में मरीजों पर बुरा असर पड़ा। डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत हत्याकांड के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को राहत देते हुए जुर्माने की राशि पर रोक लगा दी है। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, जहां देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। झारखंड के रांची में जाली नोट तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस ने इनके पास से हजारों रुपए तथा ATM कार्ड भी बरामद किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पूर्व विधायक रमेश बाल्यारनी के पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई के लिए नंगे पैर प्रकाश आश्रम तक चले। हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात कर गणेश जी की प्रतिमा भेंट की। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की बैठक दिल्ली में हुई, जहां जम्मू कश्मीर के भौगोलिक राजनीतिक समीकरण को यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बंगाल के कोलकाता नगर निगम का चुनाव फिर से कराने के लिए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय पर धरना दिया और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर शिकायत की। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल द्वारा अपने क्षेत्र के विधानसभा की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गाल से करने पर विवाद खड़ा हो गया, जहां राज्य महिला आयोग ने मंत्री से माफी मांगने को कहा है, जिसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात ATS के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा, जिसमें 400 करोड़ रुपए की 77 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जिसमें चालक दल के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां राजसमंद में -0.2 डिग्री तक तापमान पहुँच गया। बालों के लिए नारियल का दूध बहुत फायदेमंद माना जाता है। नारियल के दूध को एक कटोरी में लेकर फिंगर टिप्स की मदद से स्कल्प में लगाएं, 30 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद शैम्पू से बालों को अच्छे तरह से धो लें। इससे आपके बालों का रूखापन दूर हो जाएगा और बाल स्वस्थ चमकदार बन जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mlncdu.collegepost.in के माध्यम से 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सलमान बट ने केएल राहुल को उपकप्तान की जिम्मेदारी दिए जाने का स्वागत किया और इसके लिए बीसीसीआई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब किंग्स की तरफ से आईपीएल में केएल राहुल अकेले फाइटर थे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।